फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आई नीलम जैन हेयर टीचिंग यू मैथ्स फॉर क्लास 7 चैप्टर नंबर 2. माई टॉपिक फॉर टुडे इज फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस. व्हाट आर फ्रैक्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज फ्रैक्शन. व्हेन यू ऑर्डर अ पिज्जा फ्रॉम मार्केट, then you know that pizza itself is a whole part, and that pizza is divided into equal four parts, then each part is fraction. Suppose this is one pizza for you and it is divided into four equal parts. Okay, first four equal part, and one equal part of that pizza will be 1/4. 1/4 will be the fraction. It is called fraction. Suppose this is a complete figure, whole. This is complete figure divided into how many equal parts? 1, 2, 3, 4, 5. Total parts are 5. I have taken 5 as denominator. And how many are shaded? Only 2 parts are shaded. And 2, I have taken the shaded part as numerator. This 2 is called numerator. And 5 is called denominator here. Here similarly, this one part of pizza is 1/4. Out of total parts of this complete whole, 1, 2, 3, 4. Out of 4, if you get one piece, then that is 1/4 of the complete pizza. That is 1/4 part of one pizza. That pizza is itself a whole. It is a whole object. Then come fraction. Fraction is a number which represent a part of a whole. जैसे एक पिज्जा एक पार्ट है, तो इसके फोर इक्वल पार्ट जब मैंने कर दिए तो एक पार्ट, हर एक पार्ट की क्या होगी? एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है. तो एक पार्ट जो पिज्जा का वो होगा 1/4. ओके, मीन्स अ फ्रैक्शन इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ ए होल. नाउ लेट अस क्लासीफाई फ्रैक्शन. क्लासीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, there are three fractions: proper fractions, improper fractions and mixed fraction. First of all we concentrate at this proper fraction. A fraction which is less than a whole number is called proper fraction. In a proper fraction numerator is less than the denominator. Jo proper fraction hoti hai, complete parts hain 7, total 7 equal parts hain, उसमें थ्री पार्ट्स अगर लिए हैं तो कंप्लीट पार्ट में से कम पार्ट्स लिए हैं, तो ये थ्री न्यूमरेटर, दिस इज थ्री न्यूमरेटर, दिस इज लेस देन 7. थ्री इज लेस देन 7, हेयर 5 इज लेस देन 11, 2 इज लेस देन 12. व्हेन वी से इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर. जो न्यूमिनेटर होता है, ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. ऊपर वाला नंबर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ए फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू और मोर देन ए होल इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने पढ़ा कि जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा आता है डिनोमिनेटर से, न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. बट यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अब न्यूमिरेटर यहाँ पे 6 है, ये बड़ा है 5 से डिनोमिनेटर से. द न्यूमिरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हियर ऑल्सो 19/12, 12 छोटा है 19 से, न्यूमिरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. व्हेन न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देन कम्स 36/25. अब 36 इज न्यूमिरेटर, दिस न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर हियर इज 25. नाउ लेट कम हियर थर्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एज होल एंड पार्ट्स इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन. सपोज मेरे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने लिया 31/4, इसमें न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनती हैं? अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 31 न्यूमिरेटर को हमेशा हम
डिविडेंड मानते हैं और डिनोमिनेटर को हम डिवाइजर मानते हैं. 4 7 जा 28 3. तो दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर. 4 इज डिवाइजर. व्हेन वी राइट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड मिस क्वेश्चन होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, वी राइट इट क्वेश्चन होल, कंप्लीट स्पेलिंग, क्वेश्चन होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. मीन्स व्हेन यू विल राइट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन दिस विल बिकम 7 होल. कैसे पढ़ना है इसको? 7 होल 3 अपॉन 4. 7 होल 3 अपॉन 4. तो ये इस टाइप की जो फ्रैक्शन आएगी हमारे पास, ये क्या कहलाती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन तभी बनती है जब हमारे पास क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ये कंडीशन होती है कि न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. जब न्यूमिरेटर बड़ा होगा उसी को आप डिविडेंड मानोगे और डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड करोगे. तो देन फॉर्मूला इज क्वोशेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर एंड इन दिस वे यू विल गेट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन. पढ़ा कैसे जाता है? 7 होल 3 अपॉन, ये साइन को हम अपॉन 4 कैसे पढ़ते हैं? 7 होल 3 अपॉन 4. अब हम एक और फ्रैक्शन है यहाँ पे, फ्रैक्शंस हैविंग 1 एज द न्यूमिरेटर. जिन फ्रैक्शंस पर न्यूमिरेटर ऊपर 1 होता है, 1 अपॉन 17 है, ऊपर 1 है, न्यूमिरेटर 1 है, तो ये है कौन सी फ्रैक्शन है? ये यूनिट फ्रैक्शन. कौन सी है ये? यूनिट. इसमें भी 1 अपॉन 5 है, 1 अपॉन 17 है, मतलब ऊपर 1 1 है, 1 अपॉन 37 है, और न्यूमिरेटर अगर 1 है तो वो कौन सी फ्रैक्शन हुई? यूनिट फ्रैक्शन. फिर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ए गिवन फ्रैक्शन एंड अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. आप उस फ्रैक्शन को जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, द नंबर शुड बी नॉन जीरो. आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 1/2 है, ओके, मेरे पास 1/2 है. आपको क्वेश्चंस आते हैं कि राइट नेक्स्ट 5 और 4 और 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ऑफ 1/2. अब ये एक फ्रैक्शन है हमारे पास.